बेडमैन्स अपने नौकरों से कहता है कि जमीन को खोदो और मुझे अलादीन का चिराग चाहिए। गुल्लू कहता है, अलादीन का चिराग कभी नहीं मिलेगा बॉस। थोड़ी देर बाद खड्डे में अलादीन का चिराग निकल जाता है और बेडमैन्स हंसने लगता है, देखो मुझे चिराग मिल गया। गुल्लू बेडमैन्स के हाथ में से चिराग ले लेता है और खोल देता है, उसमें से जिन निकल जाता है बाहर। बेडमैन्स गुल्लू से कहता है कि जिन से बोलो बीर को पटक पटक के मारेगा, लेकिन जिन उल्टा करता है, बेडमैन्स को पटक पटक के मारता है। गुल्लू बेडमैन्स बोलता है, जिन को बोल मेरे जैसे हम सिकल 10 बनाएगा। बेडमैन्स 10 बना देता है। बीर, इमली, चिंटू, चुलबुल छत पर खेल रहे थे। दादाजी गाजर का हलवा लाते हैं खाने के लिए। सारे जने हलवा दादाजी से ले लेते हैं और खाने लगते हैं। पब्लिक भागने लगती है और बेडमैन्स गाड़ियों को ठा ठा के भाग रहा था। बेडमैन्स ऊपर से गाड़ी फेंकता है और बंटी का पापा बंटी गाड़ी के नीचे दब जाता है। बंटी बीर को चिल्लाता है। बीर पैराशूट ऑन करता है और बचा लेता है। बीर से बंटी कहता है, बहुत आलसी हो गए हो, ठीक से काम किया करो। पापा कहते हैं, थैंक यू की बजाय बकवास करे जा रहे हो, घर चलो। बीर को आसमान में 10 बेडमैन्स दिखाई देने लगते हैं और आग फेंक रहे होते हैं। बीर भी उड़ने लगता है। फिर गुल्लू इमली से कहता है कि मेरे पास भी जिन हैं, आओ और लड़के दिखाओ। इमली चिंटू से कहती है, तुम भी जिन बन जाओ। चिंटू भी जिन बन जाता है। इमली होशियारी से काम लेती है और बोलती है गुल्लू के जिन से, हमारा जिन तो बहुत बड़ा हो जाता है, तुम बड़ा बन के दिखाओगे? बोला हाँ। सोच में पड़ जाती है, अब क्या करना चाहिए। इमली को बोतल चमक जाती है और चिंटू से कहती है, तुम इसको बोतल में जाके दिखाओ और फिर ये भी करेगा, हम इसको बंद कर लेंगे। फिर इमली गुल्लू के जिन को बोतल में बंद कर देती है। बीर एक एक करके बेडमैन्सों को मारने लगता है। बेडमैन्स होशियारी से बीर को उठा लेता है अपने हाथों में। बीर को जमीन में पटक देता है और इतने में इमली का फोन आता है, बीर तुम बेडमैन्स को संभालो, मैंने यहाँ पर जिनको संभाल लिया है। बीर दोबारा से उठता है और बेडमैन्स को मार देता है। आगे की वीडियो देखने सब्सक्राइब।